हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक आईटी के फंडे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप SBI इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करके थर्ड पार्टी फंड किस तरह से ट्रांसफर कर सकते हो। तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से आप इंटरनेट बैंकिंग जो है SBI की घर बैठे स्टार्ट कर सकते हो, और इस वीडियो में हम जानेंगे कि थर्ड पार्टी ट्रांसफर जो पैसा है आप किस तरह से किसी भी अपने दोस्त को, रिलेटिव को इंटरनेट बैंकिंग की मदद से ट्रांसफर कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं अपने यहाँ पर ब्राउजर पर आ जाता हूँ, और यहाँ से मैं जो SBI का जो ऑफिशियल वेबसाइट है इंटरनेट बैंकिंग का, onlinesbi.com, ये ओपन कर लेता हूँ। और यहाँ पर आने के बाद आपको तीन यहाँ पर अलग अलग लॉगिन के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हमने इंटरनेट बैंकिंग किस तरह से बनाते हैं घर बैठे वो सीखा। अभी यहाँ से मैं जो मेरा इंटरनेट बैंकिंग ऑलरेडी है, मैं यहाँ से लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ से कंटिन्यू टू लॉगिन, इसके ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ से मैं अपना यूजर आईडी यहाँ पर डाल देता हूँ, और यहाँ पर पासवर्ड लिख लेता हूँ, और यहाँ से लॉगिन पर क्लिक कर देता हूँ। तो हमें पेमेंट ट्रांसफर करना है, तो यहाँ पर आपको पेमेंट ऑब्लिक ट्रांसफर ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शन दिखाई देंगे। ये देखिए, विद इन SBI यानी SBI के अंदर, अगर आपके ओन अकाउंट में ट्रांसफर करना है किसी दूसरे, तो अकाउंट्स ऑफ अदर यानी किसी फ्रेंड के अकाउंट में, उसी तरह से आउटसाइड ऑफ SBI, इसमें भी आपको अलग अलग ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। इंटर बैंक बेनिफिशियरी, क्रेडिट कार्ड वीजा बेनिफिशियरी, इंटरनेशनल फंड ट्रांसफर और IMPS फंड ट्रांसफर। अगर मेरा कोई फ्रेंड, मान लीजिए उसका SBI का अकाउंट है और मैं उसके अदर अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहता हूँ, तो अकाउंट्स ऑफ अदर विद इन SBI, मतलब यहाँ पर मुझे क्लिक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ रूल्स के बारे में बताता हूँ। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी ट्रांसफर करने के लिए आपको इंट्रा बैंक और इंटर बैंक फंड ट्रांसफर कैटेगरी को अलाउ करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने, जब हमने ऑनलाइन SBI का अकाउंट बनाना सीखा था, उसमें फुल राइट्स इसके ऊपर क्लिक करने को कहा था, ताकि हमारे अकाउंट को फुल अथॉरिटी मिले, चाहे जिसमें हम कभी भी फंड ट्रांसफर कर पाए। तो अगर मुझे विद इन SBI करना है, तो मैं अकाउंट्स ऑफ अदर्स इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ, और यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से आपको, यहाँ पर आपको कुछ नाम दिखाई दे रहे होंगे, ये मैंने ऑलरेडी ऐड करके रखे हुए हैं। तो इसके, जब भी आपको मनी ट्रांसफर करना होता है, तो यहाँ पर आपको जिस पर्सन को पैसे सेंड करना है, तो उसका जो अकाउंट है उसको ऐड करना होता है। तो ऐड करने के लिए कुछ रूल्स है, इसके लिए मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ, क्लिक हियर टू ऐड अ न्यू इंट्रा बैंक बेनिफिशियरी, यानी हमें नया खाता जो है हमारे इंटरनेट बैंकिंग से जोड़ना है, ताकि इन फ्यूचर भी हम किसी को पैसे, अगर हमें रेगुलरली ट्रांसफर करना होता है, तो हम यहाँ पर उसको, उसका नाम यहाँ पर हम इस लिस्ट में लाकर रख सकते हैं। तो क्लिक हियर टू ऐड न्यू, इसके ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपका इंटरनेट बैंकिंग जब आपने एक्टिवेट किया था, वहाँ पर आपको प्रोफाइल पासवर्ड पूछा गया होगा, वो प्रोफाइल पासवर्ड आपको याद रखना है, और यहाँ पर आपको वो प्रोफाइल पासवर्ड टाइप करना है, और यहाँ से सबमिट करना है। तो यहाँ पर आने के बाद जिस पर्सन का आपको पैसे ट्रांसफ़र करना है, उसका नाम, फिर उसके बाद में उसका अकाउंट नंबर, और फिर बार एक बार कंफर्म अकाउंट नंबर ये लिखना है, और आप ट्रांसफर लिमिट कितना रखना चाहते हो, उस पर्सन को कितना लाख तक आप उसको ट्रांसफर करना चाहते हो, वो ट्रांसफर लिमिट आपको यहाँ पर सेट करना है। यहाँ पर 10 लाख तक की लिमिट दी गई है, मैक्सिमम 10 लाख तक आप यहाँ से ट्रांसफर कर सकते हो। यहाँ पर ये सारे क्रेडेंशियल्स भर देने के बाद आपको यहाँ से सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर बेनिफिशियरी ऐड करने की प्रोसीजर है,
ये देखिए यहाँ पर कुछ लिखा है कि इफ अप्रूव्ड बिटवीन 6 AM एंड 8 PM ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 डेज आफ्टर एक्टिवेशन यू कैन ट्रांसफर अ टोटल ऑफ 1 lakh टू अ न्यू बेनिफिशियरी। इफ यू विश टू एक्टिवेट द बेनिफिशियरी इंस्टेंटली विद अ फुल लिमिट प्लीज यूज द IRATA और ब्रांच ऑप्शन, यानी ब्रांच में जाकर आपको एक फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा या IRATA ये जो ऑप्शन है ये आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा। और उसी तरह से ये बेनिफिशियरी कब ऐड होता है, तो बेनिफिशियरी ऐड होने का पीरियड है 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे से लेकर रात के 8 बजे के दरमियान आपका बेनिफिशियरी एक्टिवेट हो जाता है। और समझ लीजिए कि आपने बेनिफिशियरी ऐड करने की रिक्वेस्ट जो है वो सुबह 6 बजे डाल दी है, तो उसके बाद 4 घंटे में आपका बेनिफिशियरी यहाँ पर आपके अकाउंट में ऐड हो जाता है, उसके बाद आप उसको फंड ट्रांसफर कर सकते हो। अभी चलते हैं बैक। तो यहाँ पर अकाउंट्स ऑफ अदर में आने के बाद जिस पर्सन को आपको फंड ट्रांसफर करना है यहाँ से आपको अमाउंट डालना है। अमाउंट डालने के बाद इस लिस्ट में आपको उस पर्सन का नाम दिखाई देगा और यहाँ से उसके अकाउंट नंबर का जो सेक्शन है यहाँ पर आपको उसको क्लिक करना है। और यहाँ से 3 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, पे नाउ, शेड्यूल लेटर और स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। पे नाउ मतलब तुरंत में आप पे कर सकते हो या फिर आप उसको शेड्यूल करके रख सकते हो, 1 दिन के बाद 2 दिन के बाद भी आप उसको ऑटोमेटिकली ट्रांसफर कर सकते हो। और यहाँ से आपको सबमिट का बटन क्लिक करना है। यहाँ से आपके मोबाइल के ऊपर एक OTP जाता है और वो OTP एंटर करने के बाद आपके जो पैसे है वो उस पर्सन को क्विकली ट्रांसफर हो जाते हैं। उसी तरह से जो प्रोसीजर है इंटर बैंक बेनिफिशियरी ऐड करने में, जैसे हमने प्रोफाइल पासवर्ड यहाँ पर डाल के, उसी तरह से अगर आपको अदर अकाउंट यहाँ पर ऐड करना है तो आउटसाइड SBI इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से इंटर बैंक बेनिफिशियरी या इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। ये अलग अलग ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, तो इसके थ्रू आप ये सारी प्रोसीजर कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स रिलेटिव को यहाँ से इंटरनेट बैंकिंग की मदद से पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।